ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन सिंपल है, ये हो गया था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बात खत्म। सेकंड क्वेश्चन में कितने लोगों को डाउट है, इसमें अ चार्ज इज है, चार्ज की वैल्यू -3 माइक्रोकूलम है, इज प्लेस क्लोज टू द शीट ऑफ चार्ज। हमने अभी अभी किया कि अगर शीट ऑफ चार्ज है जिसमें आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻⁶, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है -3 × 10⁻⁶, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करेगा तो आपको फोर्स निकालनी है, फोर्स क्या होता है, QE। तो Q का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 × 10⁻⁶, और E क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को पुट करके आंसर आ जाएगा फोर्स का। ठीक है, यहां तक तो इसमें F इक्वल टू QE लगेगा, क्योंकि हमने शीट वाली प्रॉब्लम कोई की नहीं थी, आज हमने की है तो आपको समझने में आप इजी लग रहा होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है पार्टिकल जिसका मास, इसमें डाउट, इसमें मास गिवन है कैप्ट ओवर अ लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये वही हैंड रिटन का क्वेश्चन है जिसमें मैंने क्या बताया था कि आंख बंद करके बता सकता हूं, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसको कौन घेरेगा, एम जी, कौन बचाएगा, क्यू ई। अब ई यहां पर कौन लगा रहा है, शीट, शीट का ई क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एम जी इक्वल टू क्यू ई में ई की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किया आज हमने क्वेश्चन, ये वही मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, देखो 4 में पहले मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में ई नॉट को यहां पुट कर लेना 2 × 10³ दोनों जगह, तो ई वेक्टर गिवन है आई कैप जे कैप में, एरिया वेक्टर क्या होगा मुझे बताओ। वो कह रहे हैं जो एरिया है वो 0.2 m² है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, तो कौन सा कैप लगेगा एरिया के पीछे, 0.2 आई कैप। देखो एक तो तरीका है लॉजिकली सोचना, वाई जेड प्लेन, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो वाई जेड प्लेन ये बना, यानी कि दीवार बनी सामने, इसका एरिया वेक्टर कहां बनेगा, यहां बनेगा, किस कैप के अलोंग, आई कैप। नहीं तो मत सोचो, अगर वाई जेड प्लेन है, वाई जेड के प्लेन के परपेंडिकुलर आई कैप ही आएगा, वाई जेड में मिसिंग कौन है, एक्स, तो आई कैप आ गया। अगर एक्स वाई प्लेन है तो जेड आ जाएगा, अगर जेड वाई प्लेन है एक्स आ जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं इसमें। ये आपके पास ई वेक्टर है और ये आपके पास एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर बनेगा 0.2 के पीछे कौन सा कैप आएगा, आई कैप। तो फ्लक्स क्या होगा, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, तो ई वेक्टर तो आपको पता ही है 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप डॉट एरिया वेक्टर की जगह 0.2 आई कैप। आई को आई से क्या किया, मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट, ये तो आएगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लेना है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो ई डॉट डीएस, ई डॉट एरिया से आ जाएगा, एरिया भी वेक्टर, ई भी वेक्टर, मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वही शीट वाली प्रॉब्लम है, वो क्यूब बनाओ इमेजिनरी। फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट है, फिफ्थ हमने किया था, अच्छा फिफ्थ नहीं किया, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रॉड ऑफ लेंथ एल, क्यू चार्ज है, एक इमेजिन करो क्यू जिसकी एज भी एल है, जितनी रॉड की एज है, विद सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड, तो आपको इसमें फ्लक्स निकालना है। तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि सपोज एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की जो लेंथ है वो एल है, और सपोज ये एक रॉड है जिसका एक एंड वो कह रहा है कहां पर होना चाहिए, इस क्यूब के सेंटर पे, तो डायग्राम क्या बनेगा, आधी लेंथ अंदर है, आधी लेंथ बाहर है, ठीक है, इसकी लेंथ भी एग्जैक्टली एल है, एल लेंथ है, तो चार्ज इसके ऊपर कितना है, क्यू, क्यू चार्ज है, ऐसे क्यू चार्ज है। अब वो कह रहा है इस क्यूब का फ्लक्स निकाल लो, अब क्यूब का जो फ्लक्स होगा वो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अब टोटल रॉड का चार्ज है क्यू, लेकिन क्यूब के अंदर आधी रॉड है एल बाई टू, तो चार्ज भी क्या होगा इसमें, आधा ही होगा बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर, भी रॉड आधी घुसी हुई है तो फिर रॉड का चार्ज भी तो आधा ही हो गया ना क्यूब के अंदर, तो क्यू इनसाइड क्यूब क्या होगा, क्यू बाई टू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें?
ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है सिक्स फेसेस वाला, ये हमने किया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये आज हमने क्या किया था, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर ड्यू टू चार्ज ऑफ 10^-7 एट द सेंटर। फ्लक्स निकालो, एक चार्ज यहाँ पर, एक यहाँ पर है, ये तो चाहिए ही नहीं। दिस चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स आ गया। चार्ज आपको गिवन है बाय एप्सिलॉन नॉट, उस चार्ज की हमें कोई जरूरत है ही नहीं। हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आज कर लिया, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, ये वाला क्वेश्चन आज छोड़ रहे हैं क्योंकि जो मैंने शीट आगे कंटिन्यू करवानी है वो इंडक्शन के ऊपर है, और ये क्वेश्चन भी इंडक्शन के ऊपर है, ये नेक्स्ट टाइम शीट में हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक तो इस शीट को क्लोज करते हैं, और इस शीट के बाद एक ऑब्जेक्टिव शीट थी और अच्छी शीट थी ऑब्जेक्टिव शीट सेवन्थ। तो सेवन्थ शीट कितने लोगों ने ट्राई की, वैसे ट्राई की है तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, ये शीट डिस्कस करने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर गिवन है, एरिया वेक्टर किस प्लेन में है, एक्स वाई, तो एरिया वेक्टर का कैप क्या लगेगा, के कैप, जेड मिसिंग है राइट, तो ई वेक्टर पता है, एरिया वेक्टर के पीछे के कैप, डॉट प्रोडक्ट लगा के आंसर, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और लेंथ एल है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू सिलेंड्रिकल एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है, आपको बताना है इसमें टोटल फ्लक्स क्या होगा सिलेंडर का। अब कोई भी लाइन इसमें जब एंटर करेगी तो बाहर भी निकलेगी, कोई लाइन एंटर करवा रहे हो बाहर निकलेगी निकलेगी, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि जितनी एंट्री है उतनी एग्जिट है, बात खत्म। नेक्स्ट है, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड नियर हेमिस्फेरिकल सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस, ये चार फिगर्स गिवन है, पहले फिगर में चार्ज क्यू यहां गिवन है और ये एंड ओपन है, ओपन है हेमिस्फेयर, इस केस में चार्ज क्यू यहां गिवन है, तीसरे में यहां दोनों गिवन है, चौथे में यहां गिवन है, कह रहे ये बताओ किन किन फिगर्स में फ्लक्स जीरो आ रहा है। पहला केस, फ्लक्स यहां पर फर्स्ट केस में, क्योंकि ये ओपन है, आज हमने क्लास में किया भी था, कोई लाइन तो दो बार कट कर रही है पर कोई लाइन एक ही बार कट कर रही है, तो क्या इसका फ्लक्स जीरो होगा, यस कि नो, नो, तो ये नॉन जीरो है, गलती से जीरो लिख दिया क्योंकि ओपन है, अगर ये क्लोज होता नीचे से हाँ फिर क्या आता आंसर, जीरो, क्योंकि चार्ज बाहर रह गया, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज जीरो, क्लियर है यहां तक, ओपन में कभी जीरो नहीं होएगा। ठीक है यहां तक, अब इस केस में चार्ज यहां पर है, कोई लाइन तो दो बार कट कर रही है, ये एंट्री है ये एग्जिट है, एंट्री है पर ये ओपन है, ओपन में एग्जिट में कटिंग नहीं होगी, एरिया के साथ कटिंग नहीं करेगा, तो वही हेमिस्फीयर वाला केस है, तो इसमें भी क्या होगा, नॉन जीरो क्योंकि ओपन है, अगर ये क्लोज होता तो इसका भी क्या हो जाता, जीरो। नेक्स्ट केस तो बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता क्योंकि क्यू चार्ज एग्जैक्टली कहां पर है, सेंटर पे है, तो इसका कुछ तो फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट केस में क्यू चार्ज ये रहा और ये क्लोज है तो देखने की जरूरत ही नहीं है, नेट फ्लक्स इज जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, क्योंकि क्यू चार्ज से जो भी लाइन है दो बार कट करेगी, पर इतना सोचने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये बंद है हर तरफ से, चार्ज बाहर रह गया तो फ्लक्स वैसे भी जीरो। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, आपके पास एक रॉड है और एक क्यूब है और एक स्फेयर है, इस रॉड की जो लेंथ है, इस पे जो डेंसिटी है वो लैम्डा है, लैम्डा। पहली फिगर में आपको और दूसरी फिगर में फ्लक्स निकालना है क्यूब का और स्फेयर का। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें चार्ज इनसाइड सिर्फ इतना आएगा, बस इतना, इसकी लेंथ क्या है बताओ, डायमीटर जितनी, 2a, तो चार्ज क्या होगा, लैम्डा इनटू 2a, ये बाकी रॉड तो बाहर निकल गई, हमने तो इनसाइड का चार्ज लेना है, तो लैम्डा इनटू 2a, तो ये फ्लक्स आ गया। और इसमें क्या होगा, सिर्फ ये वाली लेंथ काउंट होगी, डायगनल, डायगनल क्या होता है, रूट 3a, तो चार्ज क्या होगा, लैम्डा इनटू रूट 3a बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों फ्लक्स आ गए, दोनों को डिवाइड करके रेशियो आ गए। तो फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें। नेक्स्ट है, आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू है
placed at the distance of 4R above the center of the disk of radius R. तो आपने कैपिटल क्यू चार्ज को इसके ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है यहां तक? अब वो कह रहे हैं सिचुएशन नंबर वन में, तो ऑब्वियसली कैपिटल क्यू चार्ज हर तरफ लाइंस फेंकेगा और डिस्क में से भी फेंकेगा, तो डिस्क का फ्लक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्क का गिवन है कितना? फाइव. एक सिचुएशन नंबर वन में फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करना, डिस्क का फ्लक्स उसने दे दिया कितना? फाइव. सिचुएशन नंबर टू में वो कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड ओवर द डिस्क. एक हेमिस्फेयर पुट कर दिया जिसका रेडियस कितना है? आर. इस बार चार्ज कहां रह गया? बाहर 4R पे. तो मुझे ये बताओ कि इस हेमिस्फेयर और डिस्क, ये क्लोज बॉडी है, इस पूरी क्लोज बॉडी का टोटल फ्लक्स क्या आएगा? जीरो, क्योंकि चार्ज कहां रह गया? बाहर. तो वो कह रहा है कि अगर डिस्क का फ्लक्स फाइव था, इस हेमिस्फेयर का फ्लक्स क्या होगा? मेरे को यह पता है कि दूसरी बॉडी में हेमिस्फेयर और डिस्क एक क्लोज बॉडी है, तो फ्लक्स शेल का, हेमिस्फेयर का और डिस्क का टोटल क्या है? जीरो. तो अगर मैं यह कहूं कि डिस्क का फ्लक्स फाइव है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नंबर वन, तो फिर इसका क्या होना चाहिए? माइनस फाइव. तभी तो माइनस फाइव और फाइव क्या आएगा? जीरो. तो आंसर क्या आएगा? माइनस फाइव, ताकि नेट फ्लक्स क्या आ जाए? जीरो. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर डिस्क का फाइव है तो हेमिस्फेयर का माइनस फाइव, क्योंकि क्लोज बॉडी का क्या आएगा? जीरो. सही है? ये वाला, हाँ. सिचुएशन टू क्लोज बॉडी बना दी, पहले ये ओपन थी, ये क्लोज बन गई. क्लोज के चार्ज अब बाहर रह गया, तो दोनों का फ्लक्स क्या आ गया? जीरो. अब सिचुएशन नंबर वन में वो कहता अगर अकेली डिस्क होती तो फाइव होता, तो इसको क्या होना पड़ेगा? माइनस फाइव, ताकि नेट आंसर क्या आ जाए? जीरो. इस क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में गिवन है एक क्रॉस सेक्शन है, तीन सॉलिड सिलेंडर्स हैं. ये पहला, ये क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, ऐसे क्रॉस सेक्शन. ये दूसरा और ये तीसरा. सिलेंडर्स बड़े हैं, छोटा, बड़ा और बड़ा. ये सर्कल कुछ नहीं है, सर्कल एक इमेजिनरी गॉशियन सरफेस है. क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि चार्ज तीनों सिलेंडर्स के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना? क्यू. चाहे पहला, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे आपको बड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन टोटल चार्ज अंदर क्यू ही है. तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं गॉशियन सरफेस पे निकाल लूं, यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो किसमें बड़ी आएगी, किसमें छोटी आएगी, अरेंज करके बताओ. तो मुझे सिर्फ पहले ये चीज बताओ कि अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, निकालने के लिए मुझे क्या लेनी पड़ेगी? स्मॉल गॉशियन सरफेस. ऐसे होगा हर केस में. तो पहले टोटल फ्लक्स क्या आएगा? E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, ऐसे आएगा. तो मान लेते हैं इसका रेडियस r है, तो इसका भी r है और इस गॉशियन का भी r है, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर. क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स क्या होता है? इस गॉशियन के अंदर चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. अब अंदर चार्ज जहां मर्जी ले लो, तीनों केस में क्या आएगा? एग्जैक्टली सेम. तो जब आप एक दोनों को इक्वेट करोगे, तो ई की वैल्यू भी तीनों में क्या आएगी? एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ना तो तीनों में गॉशियन सरफेस का रेडियस चेंज हुआ और ना ही तीनों में चार्ज की वैल्यू चेंज हुई, तो ई की वैल्यू विल रिमेन सेम. पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक. वो दिखाने के लिए सिलेंडर को बड़े बना रहा है, ताकि आप कंफ्यूज हो गए, चार्ज को सोचो कि बड़ा है, जबकि चार्ज तीनों में एग्जैक्टली सेम है. भाई जब फ्लक्स ही सेम है, गॉशियन सरफेस का रेडियस भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो ई भी सेम है. ठीक है यहां तक? और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, चार सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है और जिनके अंदर चार्ज है, इसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है. इस बार स्फीयर छोटा, बड़ा, बड़ा और बड़ा, ठीक. लेकिन चार्ज इसके अंदर भी क्यू है, इसके अंदर भी क्यू है, इस पूरे के अंदर भी क्यू है, यहां से यहां तक क्यू है और यहां से यहां तक भी क्यू ही है. बट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है, इसमें कम वॉल्यूम में है, इसमें ज्यादा वॉल्यूम में है, इसमें और बड़े वॉल्यूम में है, इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम में. चार्ज टोटल क्यू है, ठीक है. आपको क्वेश्चन में पी पॉइंट दे रहा है, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, और वो ये पूछ रहा है
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पी पॉइंट पे किसमें बड़ी किसमें छोटी होगी। अब रूल वही है, जहां पी पॉइंट है, अब पी पॉइंट का डिस्टेंस यहां से भी आर है, यहां से भी आर है, यहां से भी आर है और यहां से भी आर। गॉसियन चेंज नहीं हुई, स्फीयर बड़े हो गए। तो अगर मैं यहां पर ई डॉट डी एस निकालूं गॉसियन सरफेस पे, तो मेरे पास टोटल फ्लक्स क्या आएगा, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और क्या आएगा यहां पर 4 पाई आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, क्या है पॉइंट क्लियर है। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस पिंक कलर का सब में एग्जैक्टली सेम है, तो फ्लक्स की वैल्यू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर सब में सेम है। क्या स्टेप क्लियर है। लेकिन गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली फ्लक्स क्या है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां फर्क पड़ेगा, जो क्यू इनसाइड है, मुझे एक बात बताओ, जो क्यू इनसाइड है, क्यू इनसाइड के अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बताओ, कैपिटल क्यू। तो फर्स्ट केस में ये आएगा, दूसरे वाले केस में भी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू, तो दूसरे केस में भी एग्जैक्टली सेम आएगा। तीसरे वाले केस में गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कैपिटल क्यू से थोड़ा सा कम है, और चौथे में और भी कम है क्योंकि चार्ज दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन दोनों के अंदर ई की वैल्यू एग्जैक्टली सेम, तो 1 और 2 का क्या हो गया, टाई, 1 एंड 2 टाई, ए की ऑप्शन है डन, ए ऑप्शन डन, क्लोज। पॉइंट समझ में आ रहा है, इसको कैसे सोचना है।